नाजरीन, पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक कारकर्दगी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले टेस्ट की दूसरी तीसरी दिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक कारकर्दगी। जहाँ पर रमीज राजा भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम पर बरस पड़े, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की शर्मनाक कारकर्दगी सामने आ गई है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ही शर्मनाक कारकर्दगी करके दिखाई ऑस्ट्रेलिया में पहले टेस्ट के तीसरे दिन, जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम के एक भी बैट्समैन ना चल सका। पाकिस्तान क्रिकेट बैट्समैन ने पाकिस्तान का सर शर्म से झुका दिया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम की एक खिलाड़ी ने भी अच्छी इनिंग्स नहीं खेली। मुकम्मल डिटेल इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ, लेकिन इससे पहले अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और साथ में एक घंटी को जरूर दबाएं, ताकि हमारे किस्म नई अपडेट आपको आसानी से मिलती जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं पाकिस्तान वर्सेज ऑस्ट्रेलिया के टेस्ट मैच के हवाले से। यहाँ पर पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान पहला टेस्ट मैच खेला गया, जहाँ पर ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए 487 रन का हदफ दे दिया, जिसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम 300 प्लस स्कोर भी ना कर सका और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की तमाम खिलाड़ी आउट हो चुके। ना बाबर आजम चल सका, ना मोहम्मद रिजवान चल सका, ना सरफराज अहमद चल सका। आप लोग बता चल कि मोहम्मद रिजवान तो नहीं था, लेकिन इसके साथ बता चल ना शान मसूद चल सका, ना इमामुल हक चल सका, ना साउद शकील चल सका, कोई भी खिलाड़ी ना चल सका। कोई खिलाड़ी ने भी अच्छी स्कोर का मुजाहिरा नहीं किया। पाकिस्तान क्रिकेट टीम बकवास तरीन टीम है, अच्छी किसी ने भी अच्छी क्रिकेट नहीं पेश की, एक खिलाड़ी ने भी अच्छी इनिंग्स नहीं की। सारों ने बुरा इनिंग्स के लिए, सारों ने अच्छे अच्छे इनिंग्स नहीं किए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब बहुत बड़े खतरे में है। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ये मैच बहुत आसानी से हार सकता है ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि पाकिस्तान पहलवान में आ चुका है और अब पहलवानों को पाकिस्तान को पूरा करना होगा, इसके बाद ऑस्ट्रेलिया को टारगेट देना होगा। तो इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुकम्मल खतरे में और पाकिस्तान क्रिकेट टीम अब ये पहला टेस्ट मुकम्मल तौर पर हार सकता है, क्योंकि ये पाकिस्तान मुकम्मल तौर हार चुका है, क्योंकि पाकिस्तान को अब मजीद 250 प्लस से ऊपर ज़्यादा रन करना है उसके पहलवान में, और इसके बाद पाकिस्तान अपने लिए स्कोर करेगा। तो पाकिस्तान इस टेस्ट सीरीज को मतलब मुकम्मल तौर पर हार चुका है पाकिस्तान के गलत फैसलों की वजह से। पाकिस्तान टेस्ट